हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या कम उम्र में भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स के ऐसे कॉल्स आते हैं जिनमें 30% कपल ऐसे होते हैं जिनकी एज कंप्लीट नहीं होती है, मगर वह वीडियो में बताए जाने के बाद भी कोर्ट मैरिज के लिए ट्राई करते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या किसी की एज थोड़ा कम है तो क्या कोर्ट मैरिज हो सकती है। देखिएगा दोस्तों, एज पढ़ लो, लड़की की एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की एज अरेंज मैरिज कोर्ट मैरिज कैसी भी मैरिज करने के लिए 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो अपडेट वीडियो है, लड़कियों की एज को भी 18 से 21 साल नहीं किया गया है, यह भी अभी 18 साल ही है। कई बार कपल कहते हैं कि सर मेरी एज तो 22 साल है मगर लड़की 17 साल की है, 17.5 साल की है, 18 में रनिंग है, या लड़की बोलती है सर मेरी एज तो 20 ईयर्स है और लड़के की भी 20 ईयर्स है, वह अभी 21 कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हमारी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपकी एज एक दिन भी कम है 18-21 में तो लीगली आप कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी करके एडिट करके कोर्ट मैरिज करा देता है तो ऐसी कोर्ट मैरिज की कोई भी लीगल मान्यता नहीं होती है। उसका कारण यह है, ऐसी शादी को कोर्ट में सुनने यानी ऐसी शादी का रद्दीकरण करा दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा या पुलिस एफआईआर हो जाती है तो उसके ब्याप पर। तो कृपया करके अगर आपके एज अभी कंप्लीट नहीं है, आप अब दोनों मेजर नहीं हैं, तो आप शादी का डिसीजन अभी न ले। कई बार किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद कि सर मैं आपकी कोर्ट मैरिज करा दूंगा, यहाँ से हो जाएगी, वहां से हो जाएगी, इनको जानता हूँ, मेरे जानने वाले अच्छे वकील हैं, फीस लेंगे मगर आपका काम करा देंगे, तो ऐसे लोगों से बचे। जो एज कोर्ट मैरिज की है ये ऑल ओवर इंडिया यानी पैन इंडिया सभी जगह सेम है, चाहे कोई भी स्टेट हो और कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं पर भी इसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। अगर आप कम एज की लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं तो आप पर पॉक्सो लगेगा, जो आपका मैरिज हुआ है वो शून्य हो जाएगी, लड़की का पुलिस मेडिकल कराएगी और पॉक्सो में बेल नहीं होती है इजली, यानी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो यह वीडियो स्पेशली ऐसे कपल के लिए बनाया गया है जिनकी एज नहीं है कम्प्लीटली मगर वह फिर भी कोर्ट मैरिज के लिए ट्राई करते रहते हैं। दूसरा, जो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ठीक है सर हमारी एज नहीं है, हम क्या लिव इन में रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, लिव इन में रहने के लिए दोनों की 18 साल चाहिए होती है, और आप दोनों की 18 साल हो चुकी है तो आप लिव इन में रह सकते हैं, उसके लिए लड़के की 21 साल होना जरूरी नहीं है। मगर लिव इन का कॉन्सेप्ट इंडिया में इतना नहीं चल पाता, उसका रीजन ये है कि लिव इन का कोई कम्प्लीटली सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिसकी वजह से पुलिस हरास करती है और फैमिली प्रॉब्लम भी इसमें आती है। दूसरा, लिव इन के लिए लाइफ एंड लिबर्टी के व्याप पर फंडामेंटल राइट का हवाला दे करके रिट पिटीशन फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में, और वहां से लिव इन की पिटीशन अलाउ हो जाती है जिसके व्याप पर आप दोनों साथ रह सकते हैं। दूसरा, मैं बता दूं आप लिव इन में कितने भी समय साथ रह लीजिएगा, और अगर को लड़की या लड़का कहीं और किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं लीगली। दूसरा दोस्तों, लिव इन का कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्न कल्चर में होता है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इतना चलता भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिव इन में न जाएं। इन चीजों से एडल्ट्री और गलत चीजें फैलती हैं कि सोसाइटी धीरे 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 लिव इन में रहना शुरू हो जाएगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा, समाज की भी रूपरेखा इससे खराब होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, अगर एज कंप्लीट नहीं है तो आप कोर्ट मैरिज के बारे में न सोचे। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, उसको कानूनी मान्यता है, मगर उसके अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको इमरजेंसी है, ऐसा कोई मैंडेटरी है, कोई प्रॉब्लम है फैमिली, तो रह सकते हैं, अदरवाइज लिव इन के लिए इतना विचार न करें क्योंकि लिव इन की कोई भी फ्यूचर नहीं होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ऐसी जानकारी से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।